नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। उत्तराखंड के मौसम में बदलाव होने के साथ ही कई बीमारियों ने भी दस्तक दी है। बच्चों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। नैनीताल जिले में दिमागी बुखार के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है, जो कि काफी चिंताजनक है। दिमागी बुखार के मामलों में लगातार बढ़ोतरी होने की वजह से प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नैनीताल में प्रशासन के साथ दिमागी बुखार के टीके लगाने को लेकर कुछ दिनों पहले एक बैठक की थी। इस बैठक में तय हुआ था कि नैनीताल जनपद के 3 मैदानी ब्लॉक में दिमागी बुखार के टीके लगाए जाएंगे। इनमें कोटाबाग, हल्द्वानी और रामनगर शामिल हैं, जहां आज से टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। 1 से 15 साल तक के बच्चों को दिमागी बुखार के टीके लगाए गए। इसके तहत हल्द्वानी स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आज टीकाकरण अभियान के तहत हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल समेत बेस अस्पताल में भी बच्चों को टीके लगाए गए, ताकि इस बीमारी से बच्चों को बचाया जा सके। वहीं डॉक्टरों द्वारा लोगों को बीमारी से निपटने के उपाय और सलाह भी दिए गए। डॉक्टरों का कहना है कि ये संवेदनशील बीमारी है, जिसके चलते टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। पहले दिन में तकरीबन 10,000 से ज्यादा बच्चों को इसके टीके लगाए गए। जो दिमागी बुखार जयपुर वायरस होता है, ये बरसात के मौसम में इसका ज़्यादा प्रकोप रहता है। अभी तक तो इससे केसेस नहीं है, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना होता है कि जो इस टाइप के लक्षण के आते हैं, खासतौर बच्चे जो बुखार है, ऑल्टर्ड सेंसोरियम है और मेनिनजाइटिस हो गई, तो उसमें वायरल इन्वॉल्वमेंट देखना, तो जयपुर भी इनकेफेलाइटिस है, तो कोई भी ऐसा अगर आया तो उसके बिल्कुल अलर्ट होना होता है, उसको भी आइसोलेट करना पड़ता है, फिर उससे ताकि क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, ये देखने होते हैं। इसका है कि वहाँ मरीज लोग सब उससे जो है, अगर इस प्रकार के आते हैं, वार्ड बन गए हैं और उसमें अगर होगा तो उनको आइसोलेट कर लेंगे। पीडियाट्रिक्स भी ज़्यादा होता है, पिछले साल भी कुछ सालों में आए हैं मरीज, कभी आते हैं, क्योंकि जो टेस्टिंग होती है वो हम लोग कर लेते हैं, ताकि जो क्लियर कट आइसोलेशन हो जाए, उसकी तैयारी है। और अगर ऐसा मरीज आता है, इसको मच्छरदानी बंद रखना होता है, ये सब करना होता है। और अब गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन भी जयपुर जिले जो रोकथाम के लिए होता है वो शुरू कर दिया है, वो जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।